الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى فرحمة سنة کے نبي كريم صلى الله عليه وسلم بشمار بحد بعدد درود السلام بعد. محترم نازرين نبوي وصية كنامسي يسلسل وارب आज की इस नश्स्त में हम आपकी खदमत में हाजिर हैं और आपका इस्तबाल है असलाकुम वरम् वक्त नाज्रन ये दीन एतदाल वाला दीन है इस दीन की खसूसियात में से एक अहम ख़ासियत अहतदाल है माना रवि है इबादत में अहतदाल की राह अख्तियार की जाए और इसी तरह मामला में भी अतदाय की राह हमें इख्तियार करना चाहिए गुलू और ज़्यादती इफरात और तफरीक से बचा जाए चाहे इबादत हो या कोई हादत और मामला होज एक बहुत ही अहम आवीम फरीज़ा है इस्लाम का दौरान हज बहुत सारे अमाल हैं बैतल्ला का तोाफ़ है सफा मरवा की सही है और इसी तरह वकूफ़ हरफात है मिना में जाकर जमरात की रमी है मुजलफ़ा में रात गुजारना है और दीगर बहुत सारे अहमाल हैं इन तमाम अहमालों को करने में अतदाल की राह इख्तियारना बेहद ज़रूरी है इस फरीज हज को अगर देखा जाय फरीज हज को ये सिर्फ़ एक फरीज़ा नहीं है बल्कि इस फरीज़े के ज़रिए मकसद ये है लोगों की तरबियत और लोगों के रहनमाई मकसद है इसीलिए ये जो दीन की एक अहम खासियत है अतदाल मैं रवि हज से हमें इसका सबक मिलता है ये हज हमें ये सिखाता है कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में अतदाल की राह पर रहें लोगों के साथ लेन-देन का मामला आ जाए शादी ब्याह का मामला हो कोई हमारी आदत हो या इबादत हो इन तमाम चीज़ों में हमें क्या है अतदाल और तवसुत की राह अख्तियार करना है गुलू और ज़्यादती से हमें अपने आप को क्या है बचाना है हज किस तरह हमें गुलू से रोकता है और अतदाल की राह अख्तियार हमें इसका सबक मिलता है फरीस हज से इसकी मिसाल रसोल सल्हलम से मरवी एक हदीस उसमें पाई जाती है ये हदीस सुलन अबी दाबूद वगैरह की है हदीस करावी हज़रत समान इबन अमर इबन अस फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालदा अपनी माँ से सुना कि उन्होंने रसूल सो वादी के दरमियान से जमरे को यानी इनकी वालदा ने देखा रसूल सल्ह वसलम को मीना में वादी के दरमियान से जमरा को कंकरियाँ मार रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसके बाद ये भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कंकरी मार रहे हैं तो आप अपनी सवारी पर सवार थे और आप हर कंकरी मारने के साथ क्या है आप तकबीरात का अहतमाम कर रहे थे यानी आपने जमरात को जब कंकरियाँ मारी तो जब भी आप कंकरी मारते सात कंकरियाँ मारना है एक कंकरी मारने लगे तो आपने अल्लाह अकबर कह कर क्या है मारा इसी तरह हर दफ़ा आपने कहा है तकबीरात का अहतमाम किया और आपके पीछे एक शख़्स था जो आपको छुपाए हुए था एक, एक शख्स था जो आपको छुपाए हुए था कोई एक ख़ास मकसद रहा होगा कि धूप से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें भीड़ भाड़ से महफूज रहें और लोगों की भीड़ भाड़ में आप पर आपको कोई दबा ना दे ये मकसद रहा होगा कि एक शख्स आपको क्या है पर्दे में रखा है आपको बचा रहा है आपको छुपा रहा है तो इनकी वालदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा बल्कि बेटे ने माँ से पूछा कि माँ जान वो शख्स कौन था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दे में रखा था और छुपा कर रखा था माँ ने जवाब दिया वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजात चाचा या आप सल्लम के एक अज़ीम सहाबी फ़ضل इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे और इसी असना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरी मार रहे थे इज़्दहमन्नास बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस भीड़ भाड़ को देखा तो आपने उस वक्त खिताब फरमाया और लोगों को वसीयत की और फरमाया अय्योन्नास ए लोगो ला यक्तुल बादुकुम बादा तुम में से कोई एक दूसरे को जान से ना मारे तुम में से कोई एक दूसरे को धक्का ना दे व इधारमै तुमजमह फरमो बम लिहासा अलफ़ तुम में से अगर कोई जमरे जमरा मारे यानी कंक्री मारे तो उसे चाहिए कि छोटे छोटे कंकरियाँ इस्तेमाल करें छोटे छोटी कंकरियाँ इस्तेमाल करें बड़ी कंकरी नहीं हदीस में लफ्स आया है खफफ खफ़ कहते हैं इसकी मुख्तलिफ तशरीह और मुख्तलफ तफसीर बयान की गई है बाज़ अहम ने कहा कि जिस तरह लोबिया होता है जिसे हम और आप खाते हैं इसकी साइज़ का जो है इसकी साइज़ की कंकरी और पत्थर होना चाहिए ना कि बड़ी साइज़ का और बाज़ बाज़ी ने कहा है कि खफ़ से मुराद हसा अलख इसकी मकदार ये है कि आपके हाथों के दोनों पूर के दरमियाँ क्या है पूर के दरमियान आ जाए ये छोटी जो है कंकरियाँ हैं बहरहाल बड़ी कंकरी या किसी बड़े पत्थर से आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने इससे रोका है और आपकी जो तालीम है कि छोटी छोटी कंकरियों के ज़रिए क्या है हमें जमरात मारने का एहतमाम करना है इस हदीस हज़रत जो बात साबित हुई है कि ईद अज़हा के दिन हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमी जमरात के लिए गए तो उधर अलैहि वसल्लम ने भीड़ भाड़ जब लोगों को देखा तो उस मौके पर आपने ये वसीयत की और नसीहत की ए लोगों जमरात मारने में तुम एक दूसरे को दबा ना दो यानी भीड़ भाड़ होती है तो एक दूसरे उससे क्या है दबते हैं लोग इस भीड़ भाड़ से मुतासर होते हैं ख़ास अगर छोटी उम्र का कोई हो औरत ज़ हो बड़ी उम्र का कोई हो उम्र दराज़ हो तो भीड़ भाड़ से इनको ज़र इनको तकलीफ़ पहुंच सकती है और जान भी जा सकती है जैसे कि हमेशा हज के मौके पर इस किस्म के बा, आ, 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 बाज दफ़ा जो है किस्से सुनाई देते हैं कि जमरात ही के मौके पर जो है भीड़ भाड़ में की लोग क्या है उनका दम घुट जाता है सांस लेने में तकलीफ़ होती है और इसी में क्या अल्लाह को प्यारे पर हो जाते हैं तो इस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है रोका गोया कि अतदाल की राह अख्तियार करो भीड़ भाड़ ना करो क्योंकि भीड़ भाड़ करने से इबादत तो तुम शायद कर पाओ लेकिन दूसरों को तकलीफ़ देकर तुम इबादत करो और ऐसा करना क्या है जायज़ नहीं है और इसी तरह आप यह भी हमें कहा व इधर रमयी तुम्जरा फर्मो बे मिथिली हसा अलखदफ़ अगर तुम जमरा मारो तो छोटी छोटी कंकरियों के ज़रिए मारो गौर करिए कि जमरा मारने का कंकरी मारने का जो अहतमाम करना है जिसको हम अपनी ज़बान पर कहते हैं शैतान को कंकरी मारना तो इधर अगरचे जमरा और उस और, आ, कंकरी मारने का अहतमाम करना है और शैतान इससे जलील और रस्वा होता है इस अमल से कि जब हाजी जाकर के उधर कंकरी मारते हैं लेकिन इसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेतदाल के राह अपनाने की हमें क्या है तालीम दी गुलू और ज्यादती से दूर रहने को हमें कहा कंकरी मारो अगरचे शैतान को उससे तकलीफ होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े पत्थरों से मारो या किसी बड़ी साइज़ की कंकरी से मारो या कोई और चीज़ जूते चप्पल या कोई और चीज़ उठाकर तुम जो है मारो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका शैतान को तकलीफ़ पहुंचाना है उसको तकलीफ़ पहुंचेगी लेकिन वो उस वक्त कि जब नबी की सुन्नत पर क्या है अमल करें और नबी के तौर तरीक़े को हम इख्तियार करें अगर बड़े पत्थरों के ज़रिए या किसी और वज़नी भारी बड़े सामान के ज़रिए जमरा मारना ये अगर अच्छा अमल होता जायज़ अमल होता और अगर इसमें शैतान को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचने की उम्मीद होती इसमें शैतान को ज़्यादा जिल्लत और रसोई का सामना करना पड़ता तो आप वसल्लम कभी इससे पीछे नहीं हटते लेकिन आपको मालूम है कि छोटी कंकरी मारना यही शैतान को जलील और रस्वा करने के लिए काफ़ी है और यही अल्लाह तबारक व ताल यही तरीक़ा पसंद है इसलिए आपने इसी पर अमल किया और इसी की तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भी दिया और इसी मौके पर अगर देखा जाए तो एक दूसरी रिवायत भी आती है हज़रा कि जिसमें आप सल्ला वम देखा कि लोग कंकड़ी मारने में कुछ ज़्यादती कर रहे हैं और अतदाल के राह से हट रहे हैं तो आपने कहा था उस मौके पर जैसे कि दूसरी रिवायत मैंने सुनन अपनी माजा वगैरह की या कुम मल गुलू फ़ इन नम अनकानबल कुम बिल गुलू वफ़्दीन ए लोगो तुम गलू और ज्यादती से अपने आप को बचाओ ये बात आपने हज के मौके पर रमी जमरात के मौके पर आपने कही जब लोगो यह लोगों को देखा कि कुछ ज़्यादती हो रही है जमरात को लेकर के पत्थर और कंकरियों को लेकर आपने कहा ए कुमल गुलू ए लोगो ख़बरदार तुम गुलू और ज़्यादती करने से अपने आप को बचाओ गुलू और ज़्यादती से अपने आप को दूर रखो फ़ैन नमल के मनकान कबल कुम बिल गलू तुमसे पहले जिन लोगों को तुमसे पहले जो अकवामें गुजरी हैं उनकी हराकत और उनकी बर्बादी का एक अहम सबब एक अहम वजह दीन में खुलू और ज़्यादती की राह अपनाना जो है ये सबब बना तो कहने का मकसद ये था आप स्थास्था स्थास्था का कि अगर तुम गलू और ज़्यादती से अपने आप को तुमने नहीं रोका खास तौर तो पर रमय जमारात के मौके पर तो कहीं अल्लाह तबारक वाली तुम्हें भी हलाक ना कर दे जिस तरह तुमसे पिछली अववामों को अल्लाह तबारक व ताली ने हलाक और बर्बाद किया इसी गलू और ज्यादती के लिए तो कहना यह है कि दीन एक अज़ीम दीन है इस दीन की तलीमत पर कायम रहने के लिए हमेशा हमेश और दीनी तलीमत पर दवा पाए जाने के लिए जरूरी ज़रूरत इस बात की है कि हम अहतदाल की राह अपनाए रहें ग़लू और ज्यारती से हम अपने आप को क्या है दूर रखें और क्या है महफूज़ रखें ये एक अहम सबक है जो हमें हज से मिलता है और एक आज़ीम मसीत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर लोगों के दी क्योंकि उस बा उस मौके पर हज के मौके पर भीड़ भाड़ है लोग मुख्तलिफ जगह से पाए जाते हैं मुख्तलफ़ जगह से लोग इकट्ठा हुए थे ताकि लोग इस वसीत को समझें सुने और समझें इस पर अमल करें और पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी में जो है इस वसीयत को क्या है नाफिस करें सिर्फ़ ये नहीं कि हज में बल्कि हज के अलावा भी अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में जो है गुलू और ज्यादती से अपने आप को बचाए रखें यही तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें और भी मुख्तलिफ़ मौ पर मिलती है जैसे कि आप सल्ला वसलम फरमाया इन नहाद्दीन यूसर वो नहींशाद दीन अहद ग़लब ये दीन बहुत ही आसान दीन है इस दीन पर कायम रहना कोई मुश्किल अमल नहीं है इस दीन में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कोई ज़्यादती नहीं है बल्कि दीन युसर ये दीन बहुत ही आसान दीन है इस दीन में कोई भी सख्ती अगर करना चाहेगा इल्ला तो दीन उस पर गालिब रहेगा दीन में कभी कोई सख्ती करके इस दीन को कोई बिगाड़ नहीं सकता दीन की तालीमत बदल नहीं सकती इससे बल्कि दिन की तालीमत उसके इस फ़िक्र उसकी इस सोच पर उसकी इस कोशिश पर क्या है गालिब रहेगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मौजूद हैं सहाब कराम के साथ आपकी निगाह अचानक मस्जिद के सामने के हिस्से पर गई तो देखें कि जो है एक शख्स धूप में खड़ा है गर्मी है धूप में खड़ा है परेशान है तो आपने लोगों से पूछा ये कौन शख्स है इसका क्या मामला है ये क्यों ऐसे धूप में अपने आप को इसने रोक कर रखा है सहाबे कराम ने कहा कि यह रसूलुल्लाह ये फला इबन फला है इसने नज़र मानी है कि ये किसी से बात नहीं करेगा कुछ खाएगा पिएगा नहीं और रोज़ा रखेगा और पूरा दिन धूप में खड़े हो कर के गुज़ारेगा नज़रमानी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब कराम को हुक्म दिया कि जाओ इसको बुलाओ इसको पुकारो इसको बताओ कि साया अपनाए लोगों से बात करे और इस तरह अपने रोज़े को मुकम्मल करें ना कि अपने नफ्स पर ज़्यादती करते हुए गुलू करते हुए तो इधर भी आप सलील्हुसम ने इबादत में क्या है गुलू करने से ज़्यादी करने से क्या है रोका और इसी तरह हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना ये ईमान का एक अहम तकादा है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करते हुए भी हमें अतदाल की राह अपनाना है आप से महबत करने में हमें गुलू और ज़्यादती नहीं करना है आपको जो मकाम मरतबा अल्लाह तबारक दिया है वही मक़ाम मरतबा आपका है आपका मकाम मरतबा ये है कि आप अल्लाह के बंदे हैं रसूल और पैगम्बर हैं आखिरी नबी हैं रसूल हैं आपको अल्लाह तबारक वाले ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा अब आकर के कोई इस बात का दावा करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल एक ऊंचा मकाम व मरतबा है ज़ाहिर सी बात है कि आपको गैब का इल्म होगा या जाहिर सी बात है कि आप खैर और शर के मालिक हो क्योंकि आपको ऊँचा मकाम व मरतबा हासिल है तो ये सारा सर जो है इस किस्म की बातें गलत हैं ये आपसे मोहब्बत करने में ज़्यादती है आपको ना तो गैब का इल था और ना तो आप खैर व शर के मालिक थे बल्कि आपने अपने बारे में बताया इन नमा अब्दुल्ला व रसूल हो मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ और उसका क्या पैगम्बर और रसूल हूँ मेरे मकाम मरतबे में तुम ज़्यादती और गुलू ना करो तो अल्लाह तबारक तब से पहले मुझको और आप तमाम हजरात को इस दुनियावी ज़िंदगी में هر معاملة میں غير عبادتهم غیر اعتدال كره راہ اپنانے کی افراط اور تفريط دي غلو اور زیادتی سے ہمیں دور رہنے کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم